एज डिविजनल कमिश्नर ज्वाइन करने के बाद तकरीबन 1.5 महीना मुझे हो गया है, तो कोई ऐसा मौका मिला नहीं कि पूरी सिविल सोसाइटी के साथ बैठ के चर्चा की जा सके, चाहे डेवलपमेंट इश्यूज हैं, बाकी कोई इश्यूज हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक है, पूरे इस डिवीजन का कार्य चल रहा है और सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने आईजी साहबान डीसी जम्मू यहाँ मौजूद हैं, एसएसपी जम्मू हैं, तो आप देखने की कैसा आपकी सुटेबिलिटी है, मैं रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ, बट यह है कि अगर इश्यूज अब यात्रा स्टार्ट होने वाली है, ईद आने वाली है उससे पहले, तो यही मौका है एक आपस में बात करें, अगर हमें बाजार में और किसी लेवल पे अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कमियां हैं, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप 24 घंटे काम करके पिछले साल बड़ी अमरनाथ यात्रा बड़े संजीव 29 जून से ये यात्रा शुरू हो रही है। इस साल यात्रा में जैसे हर साल की तरह जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, चाहे पूरे डिवीजन की अगर बात करें तो लखनपुर से लेके बनिहाल टनल तक वो सारे पूरे किए गए हैं, चाहे यात्रियों को रिसीव करना, उनको जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू उनको हर किस्म की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यात्रा, जम्मू संभाग के बारे में, यहाँ टूरिज़्म के बारे में, और फिर उनके जो रहने के अरेंजमेंट्स हैं ख़ासतौर पे बेस कैंप भगवती नगर वो पूरे किए गए हैं। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि अगर यात्रियों को वहाँ रुकना पड़ता है तो वहाँ पूरे अरेंजमेंट्स हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के जो संबंधी सारे अरेंजमेंट्स हैं हमारी फोर्सेस वो उसको पूरा कर रही हैं, हाईएस्ट लेवल पे इन चीज़ों का रिव्यू हुआ है और पूरी तरह से तैयारी जो इस साल की यात्रा है उसको रिसीव करने की। सर, इस बार यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा हो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार लोगों के इश्यूज रहते हैं कि बार बार चेकिंग के लिए हमें जगह जगह रुकना पड़ता है या टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है, उसको क्या कुछ ईजी किया गया है? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना पूरा एक ड्रिल करके रखती हैं कि किस तरह से, चाहे वो आरोपी की बात है या जैसे आपने जिक्र किया कि उसमें फिस्किंग की बात है, तो वो एक पूरे निरंतर ड्रिल के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें होंगी, उस चीज़ को प्लान आउट कर रही हैं हमारी फोर्सेस और इंश्योर कर रहे हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो, और यात्रियों से भी अनुरोध रहता है कि वो भी इस पूरे प्रोसेस में फोर्सेस का और एडमिनिस्ट्रेशन का तावुन करें। इस बार ये भी एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया सरकार की ओर से कि दूसरे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में भी एक्सप्लोर किया जाए अमरनाथ यात्रियों को। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को विशेष हिदायत थी कि यात्रियों को जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं जिनको डेवलप किया गया है और किया जा रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। जम्मू इसके चारों तरफ, चाहे आप बॉर्डर टूरिज़्म की बात कर लें, अखनूर में पिलग्रिमेज टूरिज़्म तो है ही है, उसके साथ साथ जो वाटर स्पोर्ट या एडवेंचर टूरिज़्म की बात करें और दूसरे स्थल हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ब्रोशर्स के ज़रिए, और यात्रियों के पास उनके टाइम के मुताबिक वो इन स्थान पे विज़िट करें, इसके लिए उनके उनको मोटिवेट भी किया।